आ गई माँ राखी का शॉपिंग करके। ले राखी की शॉपिंग मैं क्यों करूँ, राखी खुद करेगी। हाँ मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो रक्षाबंधन के दिन बहनें जो भाइयों की कलाई पर बांधती है ना, उस राखी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो ऐसा बोलना, ये देख मैंने थैले भर के ना राखी वाई की है। माँ वाई? महेश वाई नहीं बाय। हाँ अच्छा सेम टू सेम। अरे कितनी सारी राखियाँ भेजनी होती है, पर जामनगर में अपना घर है, उसके बाजू में जो पोपट भाई है ना उसके लिए राखी, फिर पोपट भाई के बाजू में रमणिक भाई है उनके लिए राखी, फिर अपना जो घर है वहाँ सामने कुआ है, वहाँ से तीसरी गली में जो पापड़ पोले वहाँ विपुल भाई रहते उनके लिए राखी। और ये सबसे बड़ी और 108वीं राखी पीपल भाई के लिए। इतनी बड़ी राखी पीपल भाई के लिए? लेकिन माँ ये पीपल भाई है कौन? पेड़ है। पेड़? ले तू अपने परिवार वालों को ही भूल गया। अरे पीपल का पेड़ जो सबसे ऊंचा और मजबूत है उसके लिए इतनी बड़ी राखी तो चाहिए ना। माँ तुमने तो पूरे गांव को मामा बना डाला। अरे मतलब क्या है, माँ जिसको राखी बांधेंगी वो मेरे मामा हुए कि नहीं? भाई उस तरीके से बोल रहा हूँ। मेरे भी हाँ। स्मिता तुमने भी ली होगी ना राखी तुम्हारे भाइयों के लिए? हाँ मैंने भी ली है, भावनगर के भावेश भाई के लिए और जामनगर के जिग्नेश भाई के लिए और रॉकी भैया के लिए भी एक राखी ली है। मैं तू बता ना हमारे लिए कौन सी राखी लाई है? माना ये वो लाइट वाली लाई होगी जो नई फैशन में आई है, या बालवीर वाली, या फिर वो वाली जिसमें एकदम छोटे छोटे बहुत सारे शंख लगे रहते हैं, या फिर वो हीरे वाली। मानव बल्लू मैंने तुम दोनों के लिए राखी नहीं ली है। हाँ? हाँ? क्यों? मेरी मर्जी, मुझे राखी चाहिए ही नहीं थी तो मैं क्यों लूं? महर क्या महर हमें रक्षाबंधन पे राखी नहीं बांधेगी? वाह क्या युक्ति दी है तुमने तौबा तौबा। तुम तो इनाम के हकदार हो। है ना? नहीं परी भयंकर नहीं 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 परी भयंकर नहीं नहीं परी भयंकर मान लीजिए मेरी बात, कर दो मुझे माफ, लेकिन है यही सच है, बल्लू ही बालवीर। तुमने फिर से ये बल्लू ही बालवीर है का राग अलापना शुरू कर दिया, क्योंकि है वही सच, खाती नहीं मेरी नजरें कभी धोखा। ठीक कहा तुमने तौबा तौबा, धोखा तो मैं खाती हूँ तुम्हारी बातों में आकर। परी भयंकर दे दीजिए मुझे आखिरी मौका, अगर हुआ ये झूठ तो नहीं आऊंगा कभी मैं वापस लौट के भयानक रोग में। ऐसा तो तुम हमेशा ही कहते हो तौबा तौबा, मगर बेशर्मों की तरह फिर से लौट आते हो। लेकिन इस बार है कसम मुझे आपकी, दिखा दूंगा मैं कि है बल्लू ही बालवीर, अगर हुआ नहीं ऐसा तो खत्म हो जाएगी आपकी सारी शक्तियाँ। तौबा तौबा। परी भयंकर कीजिए माफ मुझे, पर दे दीजिए मुझे एक और मौका। ठीक है दिया मौका।
मगर इस बार अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो याद रखना, तुम्हारा सर और मेरा दंड। अपने सर में जो दिमाग है करती नहीं उसका इस्तेमाल, मेरे सर का क्या अचार डालेगी? लेकिन अब मैं साबित करके ही रहूंगा कि है बल्लू ही बालवीर। लेकिन कैसे 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 कैसे? हाँ, जाता हूँ चुपके से परीलोक में और जान लेता हूँ बल्लू का राज। आखिर उन्होंने ही बनाया बालवीर को बल्लू। चल तोबा तोबा परीलोक में। बल्लू, बल्लू, मैं क्या कर रही है? पता नहीं। मैं के पास ये फालतू काम करने के लिए टाइम है, पर एक राखी लाने के लिए टाइम नहीं है। मुझे तो लगता है मैं इस थाने में राखी नहीं बांधी। हम्म, वाह बल्लू, तू तो बड़ा समझदार है ना। थैंक यू। चुप 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 चुप। अरे, मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ लल्लू। मुझे लगता है अब तो हमें मेहर से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, चल चल चल। मेहर, तू ये क्या कर रही है? पकौड़े बना रही हूँ, खाएगा? गर्मा गर्म है। कुछ काम कर रही हूँ, दिखता नहीं है क्या? डिस्टर्ब क्यों किया? सॉरी, पकौड़ों के लिए। नहीं मेहर, वो जो कल रात को मैंने और बल्लू ने तेरी चॉकलेट खा ली थी, इसलिए तो हमें राखी नहीं बांध ली है ना? वो बात नहीं है। मैं हमने पिछली रात को तेरा फेवरेट जूस पी लिया था, इसलिए तुम हमें राखी नहीं बांध रही हो ना? वो बात नहीं है। अरे तो फिर वो जो एक हफ्ते पहले मैंने तेरी डॉल छुपा दी थी, इसलिए तो हमें राखी नहीं बांध ली है ना? अरे आई एम सॉरी, प्लीज। अरे वो बात एक मिनट, पूरी बात सुने बगैर अगर किसी ने मेरे बात को टोका तो मैं उन्हें पीट दूंगी। मैं, तू भले हमें पीट दे और तुझे हमें राखी तो बांधनी पड़ेगी। अगर तू हमें राखी नहीं बांधेगी तो मैं मिठाई कौन खिलाएगा? हाँ, तेरी रक्षा कौन करेगा? ओ हेलो हेलो। अरे रक्षा मैं तुम्हारी करती हूँ, तुम नहीं। अरे अरे ढूंढना, वो तो है मैं। और तू सोच हम गिफ्ट किसे देंगे? हाँ, तुझे राखी तो बांधनी पड़ेगी मैं। अरे राखी तो बांध रही हूँ। लेकिन लेकिन मैं हाँ? तो फिर मैं, तूने हमारे लिए राखी खरीदी क्यों नहीं? मैंने राखी इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि इस बार मैं राखी बांधूंगी जरूर, लेकिन वो राखी बाजार से खरीदी हुई नहीं, बल्कि इस बार मैं अपने हाथों से दो दो सुंदर राखियां बना रही हूँ और वो मैं तुम्हें बांधूंगी। तू भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। देख, मैं तेरे लिए भी राखी बना रही है। ओ हेलो हेलो। दूसरी राखी इस बल्लू लल्लू की नहीं होगी, बल्कि एक राखी तेरी होगी और दूसरी राखी बालवीर की होगी। मैं, तू मेरे लिए राखी नहीं बनाएगी? इस बल्लू लल्लू को थोड़ा छेड़ती हूँ। नहीं, ठीक है, अगर राखी के सामान से कुछ बच गया ना तो मैं तेरे लिए बना दूंगी। थैंक यू मेहर। राखी का सामान? मतलब मेहर, तू जो भी बना रही थी वो सब राखी का सामान था? मेहर हम लोग देखे प्लीज। एक मिनट, अगर किसी ने इस राखी को देखा ना तो मैं उन्हें पीट दूंगी। ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज ही रहेगा, ओके? मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा, प्लीज। नहीं, नहीं। मैं प्लीज। नहीं। अरे, 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 निकलो, प्लीज। एक बार, अरे मैं, अरे, ना। अरे, मैं तो भूल ही गई थी। टाइम बहुत कम है और मुझे तीन राखियां बनानी है।
आप है ना बहुत ही शरारती नटखट परी। अच्छा आपका नाम नटखट परी नहीं होना चाहिए था, आपका नाम हंसाने वाली परी या हंसमुख परी होना चाहिए था। वैसे आपका सुझाव बहुत अच्छा है ना। तुम क्यों हंस रहे हो? देखा था मैंने पृथ्वीलोक पर कि लोग बगीचे में खड़े होकर करते हैं व्यायाम ऐसे ही हंस हंस कर, तो मुझे लगा कि आप लोग कर रहे हैं व्यायाम वैसे ही। डुबा डुबा एक लगाना है मुझे बालवीर का राज का पता, लेकिन है यहाँ पर परिया और मेरा जुआ भाई डुबा डुबा एक। वैसे नटखट परी ये आपके हाथ में कौन सा यंत्र है? ये बहुत ही खास यंत्र है भटकाती परी, इसका नाम है असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र। है क्या कमाल इस यंत्र में, हो रहा इस्तेमाल है पृथ्वी लोक पर कई सालों से, है ये तो एकदम पुराना यंत्र। नहीं नहीं डुबा डुबा ये दिखने में पुराना जरूर है लेकिन है बहुत खास और अलग। कैसे नटखट परी? अभी दिखाती हूं। वो दो तोते देख रही है ये तो नाराज और ताराज पर। हाँ डुबा डुबा ये बात तो हमें पता है कि वो नाराज और ताराज परी, बाकी सबको थोड़े पता है। है ये नाराज ताराज परी, तभी मेरा कुंड दिखा रहा था बार बार इन तोतों को। अब जैसे ही मैं इस यंत्र से उन तोतों की तस्वीर खींचूंगी तो तोतों का चित्र नहीं आएगा बल्कि नाराज ताराज परी के असली रूप का चित्र आएगा। कैसे? देखोगे? ये देखो। अरे वाह देखो दिखाइए। ये तो बहुत कमाल का यंत्र है ना। अरे वाह वाह कैसे चमत्कार, खींची आपने तस्वीर इन दो तोतों की लेकिन असल में आई तस्वीर इन नाराज और ताराज परी की। हाँ डुबा डुबा यही तो खासियत है इस यंत्र की। हे ये तो एकदम सचमुच अद्भुत यंत्र, पर है नहीं ये तुम्हारे काम का बल्कि है ये मेरे काम का, क्योंकि बालवीर तुम चाहे जो भी रूप ले लो लेकिन जान सकता हूँ मैं इस असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र से तस्वीर खींच कर कि है बालवीर किस रूप में। अब चाहे कोई भी परी या कोई भी बुरी शक्ति कोई भी रूप क्यों ना धर ले लेकिन जैसे ही इस यंत्र से उसकी तस्वीर खींचेंगे तो उसका असली रूप बाहर आ जाएगा। सुना सुना बुरी शक्तियों, तुम कभी नहीं कामयाब होगी अपनी रूप बदलने वाली चाल में। डुबा डुबा एक क्यों ना हम इस यंत्र से तुम्हारी तस्वीर खींचे। हाँ 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 रहेगा ये ठीक, तो चलो। अब ऐसे नहीं बैठ के। हाँ बैठ जाओ। बस बस बस, बस। अब ऐसे दिखाओ जैसे तुम अपनी गायन कला का प्रदर्शन कर रहे हो। हाँ ऐसे। हाँ डुबा डुबा एक तैयार? हाँ तैयार खींचिए। खींच गई। हाँ वो खींच ली, अब दिखाइए ना। नटखट परी ये तो डुबा डुबा की तस्वीर नहीं है।
पैरों पे बंदर की तस्वीर है। हाँ भटकाती परी। दिखाइए दिखाइए नटखट परी। देखो देखो कैसे देखा जा रहा है। नटखट परी इस बंदर को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। हाँ भटकाती परी दुष्ट बंदर अब तुम बचोगी नहीं। हाँ भटकाती परी। भटका दी परी नटखट परी मैं डूबा डूबा एक ही मत कीजिए मुझ पर आक्रमण। इसे छोड़ना नहीं। हाँ नहीं नहीं जरा इसका मुंह तो देखो क्यों डूबा डूबे आ गए ना तुम भी नटखट परी की शरारत में। अच्छा थी आपकी शरारत। ओ नटखट परी और क्या तुम्हें क्या लगा था डूबे डूबे तुम असल में एक बंदर हो। परियों है बुलाया आपको रानी परी ने रानी महल में अति शीघ्र। ठीक है डूबा डूबा दो डूबा डूबा एक तुम ये यंत्र मेरी प्रयोगशाला में रख दो हम रानी महल जाते हैं। है ठीक जो आ गया आपकी नटखट परी। रुको डुबा डुबा दो जा रहे हो कहाँ तुम। रानी महल में। रानी महल में जाना बाद में पहले करना कुछ काम। रखना तुम ये नटखट परी का असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र उनकी प्रयोगशाला में। लेकिन मैं कर रहे हो तुम सवाल मुझसे। हाँ तुम्हारी ये मजाल लीजिए। है ठीक जाइए। है अगर पाना मुझे सबूत है पल्लू ही बालवीर तो लेना ही होगा मुझे असल शकल चित्र खींचो यंत्र इससे। छीन कर रहेगा ये असल शकल चित्र खींचो यंत्र ये महान श्री श्री तोबा 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 तोबा। अगर जाऊंगा मैं इस रूप में तो लेगा वो पहचान। लेता हूं मैं अपना रूप बदल। रुको डुबा डुबा दो रुको। क्या हुआ क्यों रोका मुझे। दो मुझे असल शकल चित्र खींचो यंत्र रखूंगा मैं इसे नटखट परी की प्रयोगशाला में। दो मुझे अरे दो दो जब रखना था खुद को ही तो फिर दिया क्यों मुझे पहले। वाह वो तुम्हारी इतनी मजाल कर रहे हो तुम मुझसे सवाल। दो मुझे दो ये लो। वो क्या खड़े ऐसे जाओ। जी जाओ। अब खींचता हूँ इस असल शक्ल चित्र खींचो यंत्र से बल्लू की तस्वीर जो है बालवीर और फिर दिखाऊंगा ये तस्वीर परी भयंकर को जाकर तब तो उनको करना ही होगा मुझ पर यकीन।